अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, नीचे के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो आज हम बनाएंगे मेहंदी पेस्ट। मैं आप लोगों को कैसे मेहंदी पेस्ट बनाना है जिससे कि आपको गहरे से गहरा कलर मिले, उसके लिए मैं आज आप लोगों के सामने ये लाई हूँ। और इसके लिए हमको चाहिए मेहंदी पाउडर, चीनी, पानी और क्लोव ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल। तो मैं एक एक करके आप लोगों के सामने सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। तो फ़िलहाल ये जो आप पाउडर देख रहे हैं ये छाना हुआ मेहंदी पाउडर है। मैं कभी और आपको दिखाऊंगी कि आपको मार्केट में जो इजीली अवेलेबल पाउडर होते हैं उनको कैसे छानना है घर पे, या फिर आप रेडीमेड भी ले सकते हो। चीनी, पानी और ये है क्लोव ऑयल और ये है नीलगिरी का तेल या यूकेलिप्टस ऑयल। क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल ये 30 ml का है और ये क्लोव ऑयल नॉन ब्रांडेड है, इसको मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है इसलिए ये ख़त्म हो रही है। और आपको चाहिए पानी, पानी मैंने उतना लिया है जितना कि 3 से 4 चम्मच जो मैंने मेहंदी लिया है वो ठीक से पेस्ट बन जाए। अब आपके ऊपर है कि आप कैसी मेहंदी पहनना पसंद करेंगे। बहुत लोग होते हैं कि गाढ़ी मेहंदी पसंद करते हैं जो जल्दी हाथ पे चिपक जाए, और कुछ लोग गीली मेहंदी पहनना पसंद करते हैं जो बहुत छोटा काम देते हैं। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए यही दिखाना चाहती हूँ कि क्या क्या करना है। पहले आप तो जो मेहंदी पाउडर है उसको छानने के बाद ही डालिए और उसके साथ पहले चीनी मिला लीजिए और ऑयल ले लीजिए। अगर आप यहाँ पे मुझे प्रोपोर्शन पूछेंगे तो मैं आपको बोलूँगी कि 100 ग्राम अगर आप मेहंदी पाउडर ले रहे हैं तो उसके साथ आप 30 से 40 ml यूकेलिप्टस ऑयल यूज़ कीजिए और उसके साथ आप कम से कम 10 ml क्लोव ऑयल यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच मैंने बड़े चम्मच के टीस्पून या टेबल स्पून के मैंने 4 चम्मच यहाँ पे मेहंदी पाउडर लिया था और उस हिसाब से मैंने एक ढक्कन यानी कि ऑलमोस्ट 5 ml और नहीं 5 ml नहीं 3 ml और उसके साथ एक ढक्कन और यानी कि मैंने वो कुल मिला के 5 ml ऑयल मैंने दोनों को मिला के यूज़ कर रही हूँ और उनको मैं पहले अच्छी तरीके से मिलाऊँगी और उसी के बाद मैं इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करूँगी। अब पानी आपको एक बार में ऐड नहीं करके लेना है, आप लोगों को धीरे धीरे पानी ऐड कीजिए तो अच्छा होगा। और उससे पहले आप ऑयल को अच्छी तरीके से मिला लें। आप चाहे तो पानी में मेहंदी को घोल लेने के बाद आप ऑयल डाल सकते हैं, मगर इससे क्या होता है, इससे कभी कभी हमारी मेहंदी जो होती है वो ज़्यादा गीली हो जाने का डर रहता है और इसी वजह से मैं पहले ले लेती हूँ। अब आपको स्टेज में धीरे धीरे करके पानी दे के आपको अच्छे से थिक या लूज जैसा आप लोगों को बनाना है वैसा आप बैटर बना लीजिए इसका, और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिलाइए ताकि यहाँ पे जो आपका पेस्ट है वो बिल्कुल लम्स फ्री होना चाहिए। मेहंदी का जो पेस्ट है वो लम्स फ्री होना चाहिए, तभी वो कोन में मतलब कोन में जो हम कोन यूज़ करेंगे उसमें से सही से उसका थ्रो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, घर में मेहंदी बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मगर हाँ इतना बोल सकती हूँ कि आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ कि मैं कोई हार्मफुल चीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिस मेहंदी के ऊपर बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, समझी हूँ, वो सब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। और आपको
आज की ये जो वीडियो है ये कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और प्लीज़ बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और आज आप लोगों को ये मेहंदी पेस्ट का जो रेसिपी है ये कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना, और आगे मैं एक और रेसिपी लाऊंगी, वो थोड़ा तामझाम वाला रेसिपी है मगर उससे जो कलर आता है उससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा और गहरा कलर मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। और ये जो आज पेस्ट बना रही हूँ इससे भी आपको बहुत अच्छा कलर मिलेगा, मगर ये थोड़ा टाइम लेता है मगर उससे काफ़ी जल्दी कलर आ जाता है, और मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। हेयर कलर का भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। और फिलहाल ये स्टेप आप लोग ज़रूर कीजिएगा कि मेहंदी को जब आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से उसको मिलाइए, इतनी अच्छी तरीके से कि उसमें कोई भी लम्स ना रहे। अगर लम्स रहेंगे तो मेहंदी जो है हम हाथ पे नहीं लगा पाएंगे और रुक रुक के चलेगी मेहंदी का जो कोन है वो। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में काफ़ी लग गया है मेहंदी, तो उससे भी थोड़ा थोड़ा कलर आ रहा है, तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। तो अभी मैं इसको बीट कर रही हूँ अच्छी तरीके से। बीट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करना पसंद करूँगी। आप चाहे तो इसको ऐसे ही ढक के 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए आप इसको किसी अंधेरे डार्क या मतलब डार्क किसी अलमारी में रख दीजिए, और मेरे हिसाब से सबसे अच्छी जगह होती है हमारी अलमारी। तो इस पेस्ट को एक प्लास्टिक में बैग में डालिए या किसी कपड़े में लपेटिए, और इसको एक अलमारी के अंदर या जो अंधेरा और गर्म हो ऐसी जगह पे आप इसको रख दीजिए 24 घंटे के लिए मेरी मानिए तो, और अगर आप लोगों के पास इससे कम टाइम है तो एटलीस्ट 8 घंटे तक इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही, तो मेहंदी और जो ऑयल्स है वो रिएक्ट करके अपना कलर छोड़ेगी, और इसको अप्लाई करने से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर आएगा। और एक बात याद रखिएगा कि ये इंस्टेंट मेहंदी बिल्कुल नहीं है, आप जब इसको हाथ पर अप्लाई करते हैं तो इसको एटलीस्ट 6 आवर के लिए हमको छोड़ना पड़ता है, एटलीस्ट मिनिमम 6 आवर के लिए हाथ में रखना पड़ता है, और उसके बाद जो कलर आएगा हाथ में वो बिल्कुल ऑरेंजी कलर होगा। आप अभी मेरे हाथ को देख सकते हैं कि मेरे हाथ का जो कलर है इमीडिएटली मेहंदी लगाने से एक ऑरेंजिश कलर आया है, और यही असली मेहंदी और अच्छी मेहंदी की क्वालिटी की पहचान है कि जब वो आपके हाथ में लगती है तो वो ऑरेंज कलर में आती है, और अभी आप देख रहे हैं ये। तो होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और फिलहाल मैं आज आप लोगों से विदा लेती हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलती हूँ मैं, टाटा बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।